अगर इमरान ना होता तो ना वसीम होता, ना वकार होता, ना शुएब होता, कोई भी ना शायद होता, क्योंकि उसने वो जो रूप फूंकी फास्ट बॉलर्स के अंदर, मेहनत का एक जज्बा उनके अंदर वो लाए, एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर लाए, ये वो कि उसने मुझे एक मैच में के इंसाफ दिलाया, मेरा कम बैक करवाया। यानी मैं इमरान से पहले 8 टेस्ट मैचेस खेल चुका हुआ था और मैं मुख्तलिफ एक दो कप्तानों के अंदर भी खेल चुका हुआ था। मैं इमरान के ही लफ्ज़ कह रहा हूँ ये कि नहीं यार तू बड़ा टैलेंटेड बंदा था, मतलब तू ये बातें ना किया कर। मैं उसको कहता था कि अल्लाह ताला के बाद तेरे बड़े एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, बात यह है कि तू बहुत टैलेंटेड बॉलर था, मतलब तू डिज़र्व करता था और मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, बस इतनी सी। मतलब यह है कि इमरान खान कई मरतबा पैड करके बैठा हुआ होता था, मैं जाके देखना 7 की एवरेज होगी, 8 की हो गई, ये अगर इमरान गया इसने जल्दी की आउट हो जाएगा, ये वो, इससे बेहतर है मैं अपनी कुर्बानी दूँ। मैं अंदर जाता था पैड करके, इमरान को बताता भी नहीं था, पैड करके बैठ जाता था। वो थोड़ी देर के बाद बेचारा कोई इधर उधर करते कुरते, जब वो देते कह रहे भाई तूने पैड क्यों है, मैं कहा भाई बात सुन ले, 8 की एवरेज हो गई है, मैं जाऊँगा, मैं आउट हो जाऊँ, कुछ भी कर दूँ, तुमने नाराज़ नहीं होना है और मैं जाके कोशिश करता हूँ। और अमूमन ऐसा होता था कि मैं जाता था और मैं हिटिंग वगैरह करता था, 6-8 की एवरेज को 6 पे ले आते थे और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल बैटिंग करके पाकिस्तान मैच जीत जाता था। इमरान खान इज़ अ नेम ऑफ डिक्शनरी ऑप्शन सी, यानी कि उस बंदे की जो खिदमत है, क्योंकि ये नई जनरेशन को शायद इमरान के बारे में इतना पता नहीं है,